उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सफाई कर्मी की विधवा मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने के लिए 10 सालों से भटक रही है। दलित विधवा का आरोप है कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। महिला ने इसकी शिकायत SC ST आयोग समेत तमाम उच्च अधिकारियों से की है। इस बाबत जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आपको बता दें कि मामला दुबेपुर ब्लॉक के एक गांव का है। यहां का रहने वाला दलित सफाई कर्मी का गंभीर बीमारी के चलते 2012 में निधन हो गया था। तब से उसकी विधवा पत्नी नौकरी के लिए जिला पंचायत राज विभाग के ऑफिस का चक्कर लगा रही थी। आरोप है कि बीते नवंबर माह में महिला को जिला पंचायत राज अधिकारी RK भारती ने अपने घर बुलाया और जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। महिला ने विरोध किया तो RK भारती ने उसका हाथ पकड़ लिया और किसी तरह महिला वहां से भाग निकली। इस बात से नाराज जिला पंचायत राज अधिकारी ने उसे नौकरी न देने की धमकी दे डाली। पीड़ित महिला ने जिला पंचायत राज अधिकारी की करतूत की शिकायत SC ST आयोग समेत तमाम आला अधिकारियों से की है। इस विवाद को लेकर आज एक जांच टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया गया। वो DPRO साहब के जो रहते हैं बर्मा साहब, वो कहने लगे कि DPRO साहब ऑफिस में नहीं मिलते हैं, उनके घर पे जाना पड़ेगा। तो हम उनके घर का गए तो DPRO साहब हम कहने लगे कि क्या नाम है, तुम तो वही जवान हो, तुम हो तुम क्या करे सर। तो कहें कि क्या नहीं लगे, हमारा ऐसे हाथ पकड़ लिए, हाथ पर पकड़ कर कह रहे हैं जो हम कहेंगे उसको करना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, तो कहें कि जो हम कहेंगे। तो हाथ पकड़ के हमको अपने रूम में खींचने लगे, तो हम अपना हाथ छोड़ा कर बाहर भागे। हमको हम ये काम नहीं करेंगे, कहें जाओ फिर नौकरी ले लो, देखते हैं कौन नौकरी तुम्हें देता है। तो इसलिए शिकायत हम दिए। कहाँ शिकायत? उधर दलित विधवा के आरोपों को जिला पंचायत राज अधिकारी RK भारती ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि इस महिला का नियुक्ति प्रत्यावेदन निरस्त किया जा चुका है। इस बात को लेकर वो उन पर आरोप लगा रही है। DPRO के अनुसार महिला की रिकॉर्डिंग उनके पास है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला ने उनसे कभी मुलाकात नहीं की है, साथ ही वो महिला भी कभी ऑफिस में नहीं आई है। पहला नंबर की मेरा परिवार मेरे साथ रहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे साथ रहते हैं और उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैं आज तक आपसे नहीं मिली हूँ, मैं कभी ऑफिस भी नहीं आई हूँ। और यह आरोप तब लग रहा है कि जब उसका प्रत्यावेदन नियुक्ति के लिए मैंने निरस्त कर दिया है कि तुम्हारी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसका ये आरोप है कि जब हम आपके साथ राजी नहीं हुई तब आपने ऐसा किया है। नहीं, अगर यह प्रत्यावेदन निरस्त किए मुझे कई महीनों हो गए। नहीं तो वो तो बता रहे हैं। नहीं सुनिए, अगर ये कई महीनों हो गए, अगर ऐसा था तो उसको तत्काल आरोप लगाना। क्या सीसी कैमरा भी लगा होगा? CCTV भी होगा? नहीं, हमारे सीसी कैमरा नहीं है। अगल बगल होगा? अगल बगल होगा तो आ ही जाएगा, मालूम नहीं है। हाँ, वो तो लेकिन जब मेरे परिवार और 9 बजे रात में किसी उसने को तारीख बताई, छठ पूजा वाले दिन की बात है घटना। उसने दिन तारीख समय सब बताया है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं, आज तक मैंने उसको देखा नहीं। अच्छा? एक बार मेरे दफ्तर में अपने वकील के साथ आई थी और यहाँ उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आज तक आपसे नहीं मिला। सर तमाम फोटोज वायरल हो रही है जो महिलाओं के साथ। जरूरत कहाँ पड़ गई जिसे आपने रिकॉर्ड किया? आपको क्या पहले से अंदाजा था किस तरीके से कर सकती है? क्या आपने रिकॉर्डिंग जो की, रिकॉर्डिंग जो किया है? हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, लोगों ने मुझे दिया। सुल्तानपुर से Now44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज